प्यारे बच्चों, जय हिंद। आठवीं कक्षा में कार्यपत्रक 18 के अंतर्गत हिंदी विषय में आज हम कबीर की साखियां की पुनरावृत्ति करेंगे। कबीर की साखियां आपको याद हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। उन साखियों को पढ़ने का एक तरीका भी आपको बताया था। आज हम देखेंगे कि हमें उनमें से कितनी साखियां और उनके भावार्थ याद हैं। मैं आपको उसमें से एक साखी को पढ़कर बताऊंगी, जिससे आपके दिमाग में वो यादें ताज़ा हो जाएंगी। पहली हमारी जो साखी है वो इस विषय में थी कि जो ज्ञानी और लोग होते हैं, उन लोगों के हमें ज्ञान के विषय में जानने की आवश्यकता होती है, जाति के विषय में जानने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये पद, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। तो याद आया आपको, मैंने आपको साखियों को पढ़ने का एक तरीका बताया था। और इसके इस साखी में हम जानते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, सज्जन और ज्ञानी लोगों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का मोल होता है जिस प्रकार तलवार का मोल होता है। तलवार किस म्यान में रहती है, उस म्यान का मोल नहीं होता। दूसरा जो आपका पद है यानी साखी है, आवत गारी एक है उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं निंद उलटिए वही एक की एक। वो कहते हैं कि बुरे वचन जब आपकी ओर आते हैं तो वो एक होते हैं, लेकिन यदि आप उनका प्रत्युत्तर दे देते हैं तो वो तो अनेक हो गए ना। तो आप मत उलट कर जवाब दीजिए, पलट कर बुरी बात का जवाब बुरी बात से मत दीजिए, तो वो एक ही रह जाएगी, अनेक नहीं होगी। तो इसका अर्थ ये है कि बुरी बातें फैलानी नहीं चाहिए, वो एक की एक रह जाती है। यदि कोई आपके साथ बुरा आचरण करता है तो आप बदले में बुरा आचरण मत कीजिए। तीसरी साखी थी, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। कि हाथ में माला फिरती है लेकिन जीभ मुंह में लोगों की 10 बुराइयां करती फिरती है। इधर उधर ध्यान रहता है तो ध्यान अगर भटकता रहता है, मन यदि आपका 10 दिशाओं में भटकता रहता है, तो इसको भगवान का सुमिरन करना, ध्यान करना नहीं कहते, यानी एकाग्रचित्त होकर ध्यान किया जाता है। चौथी आपकी जो साखी है, कबीर घास न निंदिए जो पांव तली होई, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होई। कबीर जी कहते हैं कि जो तुच्छ से तुच्छ और शुद्र से शुद्र, यानी छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना एक महत्व होता है संसार में। तो घास भी यदि आपके पैरों के तले रोज आती है, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई उसकी भी नहीं करना चाहिए, उसकी भी अपना एक महत्व होता है। क्योंकि उसका महत्व आपको तब पता चलता है यदि वही तिनका घास का उड़कर हवा के द्वारा आपकी आँख में आ जाए, तो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होती है, तब आपको पता चलता है कि ये भी दुनिया में एक चीज़ है जिसका अपना एक महत्व है। और जो अंतिम साखी है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। कहते हैं कि इस संसार में कोई भी आपका दुश्मन, कोई भी आपका बैरी नहीं है। यदि आपका चित्त शांत है, आप शांत हैं, तो आपका कोई भी दुश्मन नहीं होगा। या आपा को डारी थे, इस अहम को, इस घमंड को यदि आप त्याग देंगे तो सभी का आपके ऊपर स्नेह रहेगा, दया दृष्टि रहेगी। तो बच्चों, इन सभी दोहों का भावार्थ, विशेष अर्थ मैंने आपको भी बताया। तो अब देखते हैं कि हमने क्या सीखा है। पहला प्रश्न, आपको इन सभी दोहों में सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों? दूसरा प्रश्न, मनुआ तो दहु दिसि फिरे, कबीर दास की इस उक्ति से, उक्ति यानी कथन बात, उनकी कही हुई इस बात से आपने क्या समझा? तीसरा प्रश्न है, जग में बैरी कोई नहीं
जो मन शीतल होए। इसके माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं? प्रश्न चार, किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए, जो दोहा आपको पसंद हो उसी का। पांचवा, आपकी गतिविधि है, उन दोहों को याद करना है आपको, कंठस्थ कीजिए, इसे गाइए और गाकर मुझे सुनाइए। कबीरदास जी के बारे में और जानकारी भी एकत्रित कीजिए, तो आपकी मधुर मीठी आवाज में आप रिकॉर्ड कीजिए इन साखियों को गाकर, और फिर मुझे भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं उसका इंतज़ार करूंगी। तो बच्चों, जल्दी से जल्दी ये चीज़ें कंप्लीट कीजिए और मुझ तक पहुंचाइए। धन्यवाद।